तो दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं बैतूल का रावण दहन करने के लिए, जो कि असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में हम हर साल यहाँ पर स्टेडियम में रावण दहन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। पुरातन काल से सिर्फ दो ही व्यक्ति किसी के मस्तिष्क की रेखा पढ़ सकते थे। ब्रह्मा जी ने लिखी थी इसलिए वो पढ़ लेते थे, परंतु दूसरा शख्स था रावण, जो उनके मस्तिष्क की जनता के मन मस्तिष्क की उसने यहाँ तक जो भगवान राम के भी मस्तिष्क की रेखा पढ़कर बता दिया था। हे नारायण, मैं आपकी सीता को अपने घर ले जाऊँगी, लंका में ले जाऊंगा और आपको वनवास होगा, आपके पिताजी की मृत्यु होगी। ये भगवान राम को उन्होंने कहा था। तो इसलिए वो इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है और हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग मस्तक पर उनकी भस्मी धारण करते हैं। मेरा कारण यही है। क्या परंपरा है, क्या परंपरा है, किस तरह से ले जाया जाता है इसको और क्या किया जाता है फिर? परम क्या क्या सवाल क्या सवाल सवाल क्या जो उनकी लकड़ियाँ लेकर जाते हैं वो शांति पूजाएँ करते हैं, कोई उसमें जुए धक्के का काम भी कर रहे तो कर रहे हैं, ये उनकी जबर। परंतु जो भस्मी ले जाते हैं या भस्मी लगाते हैं वो सिर्फ भस्मी की पूजा करते हैं, एक ब्राह्मण की पूजा करते हैं और उसका कोई नहीं। कुछ सिद्ध होता है क्या इस तरह, कुछ सिद्ध होता है क्या कुछ धन धान्य के लिए या इस तरह से? भाई ऐसा है, चूँकि हमारे पूर्वज बिना ब्राह्मण के भोजन कराए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। और उसके बाद जब ये ब्राह्मण की मैंने रावण देवता की जो फसली ले जाते हैं, अब उससे उनको क्या लाभ होता है जो लकड़ियाँ ले गए हैं? मैं तो सिर्फ भस्मी मस्तक पर धारण करता हूँ कि वो ब्राह्मण है, महान ब्राह्मण, उसके समान विश्व में कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं हुआ, इसलिए मैं भस्मी धारण करता हूँ। और तो जो लोग किसी प्रयोजन से ले जाते हैं ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप किस प्रयोजन से ले जाते हैं। और कुछ? थैंक यू। Oh, 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 oh
दोस्तों, आखिरकार असत्य के ऊपर सत्य की जीत हो ही गई और हमने रावण का दहन कर दिया। तो दोस्तों, यदि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमको कि आपको रावण दहन हमारा कैसा लगा। तो दोस्तों, नमस्कार।